क्वेश्चन आप लोगों का बैक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेप लैडर सिस्टम करके। कोई है क्या जिसको क्वेश्चन नहीं मिला है अभी तक? बताओ, है सबके पास क्वेश्चन? मैम मेरी बुक में नहीं दिया है। नहीं दिया है आपके बुक में? ठीक है, मैं समरी जैसे नोट कर रही हूँ, आप समझना उसमें से। ओके मैम। देखो, स्टेप लैडर सिस्टम है, तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, ठीक, और तीन सर्विस डिपार्टमेंट हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ए बी और सी हैं, और सर्विस में टाइम, स्टोर्स और मेंटेनेंस, ये तीन डिपार्टमेंट हैं। ए का अमाउंट दिया है 32,000, इसमें दिया है 48, और इसमें दिया है 24,000। सेम है, टाइम में दिया है 8, स्टोर्स में दिया है 16,000, और मेंटेनेंस में दिया है 24,000। ये फिर ये अमाउंट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, ठीक, ए में 100, बी में 120, सी में 80, फिर टाइम में दिया है 20, स्टोर्स में दिया है 60, और मेंटेनेंस में दिया है 40। ठीक है, टाइम, स्टोर्स और मेंटेनेंस का ये हो गया। फिर टाइम स्टोर्स के क्या, टाइम डिपार्टमेंट क्या करता है? प्रोवाइड सर्विस टू ऑल डिपार्टमेंट्स। क्वेश्चन में बोल रहा है, समय विभाग सभी विभागों को सेवाएं प्रदान करता है। टाइम डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस टू ऑल डिपार्टमेंट्स। फिर एक्सपेंसेस ऑफ टाइम डिपार्टमेंट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट सेक्शन। और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है, जो टाइम डिपार्टमेंट है उसका जो एक्सपेंस है वो कौन से बेस पे शेयर करना है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे। तो मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, टाइम का किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। फिर स्टोर्स के लिए दिया है, देखो ये अलग पार्ट बना रही हूँ मैं क्वेश्चन का। स्टोर्स के लिए आपके बुक में बोल रहा है कि स्टोर्स के एक्सपेंसेस को परसेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेंटेनेंस में बोलता है 10%, डिपार्टमेंट ए में बोल रहा है 20%, डिपार्टमेंट बी में बोल रहा है 40%, और डिपार्टमेंट सी में बोल रहा है ये 30%। और इसके बाद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का बता रहा है कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिपार्टमेंट ए में 30%, बी में 50 और सी में 20। ये क्वेश्चन की समरी है, ठीक। क्वेश्चन में क्लियर कट बोल दिया है कि जो टाइम डिपार्टमेंट है वो सभी विभागों को सेवाएं प्रदान करता है, और टाइम का जो एक्सपेंस है उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे। समझ में आया आप सबको, जिसके पास क्वेश्चन नहीं था? अब देखो, कॉलम बनाओ, ठीक, पर्टिकुलर सॉल्यूशन स्टार्ट करो जल्दी से। और यहाँ पे कैसे बनाते हैं अपन स्टेप लेडर में, देखो टाइम का बनाना, या फिर आप लोग ए बी सी का बनाओ, पहले ए फिर बी का बनाओ, सी का फिर टाइम, स्टोर्स और मेंटेनेंस का, और एक टोटल का भी आप कॉलम बनाना, एक कॉलम टोटल का भी बनाएंगे आप लोग। आया समझ में? यस चलो जल्दी से स्टार्ट करो। एक हो जाएगा टोटल, फिर ए
बी सी टाइम का, स्टोर्स का और ये मेंटेनेंस का. चलो पहले किसका देंगे अपन, टाइम का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. टाइम में देखो कितना दिया है, पहले किसका पोर्शन करेंगे ऑफ टाइम डिपार्टमेंट. ठीक, अमाउंट लिख लो जल्दी से सबका. इसमें लिखो 32,000, इसमें लिखो 48,000, बी में लिखो 24,000, सी में 8,000, टी में 16, और मेंटेनेंस में मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? अच्छा मैम, ए का 32,000 है ना? हाँ, अच्छा मैंने टोटल वाले में लिख दिया सबका. यस मैम. ए में 32, बी में 48, सी में 24, टी में आएगा 8,000, एच में आएगा 16,000 और एम में आएगा 24,000. ठीक, तो सबसे पहले अपन टाइम का करेंगे. टाइम में देखो कितना था, 8,000. तो ये हो गया माइनस 8,000 हो गया. अब देखो टाइम को किस में डिपेंड करना है अपन को, ये वाला, ये देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे करना है. तो ए पे कितना दिया है देखो, 100:120:80. हम तो टाइम का खुद कट कर रहे हैं इसलिए टाइम वाले को छोड़ देंगे. फिर 60:40, अगर मैं इस रेशियो को कम करूं तो क्या हो जाएगा देखो, अगर पूरे को 10:12:8:6:4 हुआ, फिर से अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 2:5:2:6:4:2:3:2:2, तो 5:6:4:3:2 के रेशियो में जाएगा. देखो यहाँ लिख रही हूँ 5:6:4:3:2. किसी को डाउट है ये रेशियो कैलकुलेट करने में तो पूछो पहले, नहीं तो फिर आगे बढ़ती हूँ. किसी को डाउट है? नो मैम. अब देखो 5:6 कितना हुआ, 11:4 15, 18 और ये 20, तो 8,000 डिवाइड करो 20 से. 8,000 को डिवाइड करो 20 से, कितना आएगा? 400 आया. ठीक, अब इसके रेशियो में देते जाओ, 400 × 5 कितना होगा? 2,000. चलो फिर नेक्स्ट दो, यहाँ पे आप लोग 2,000 लिखना. ये आपका 400 × 5 2,000, फिर ये हो जाएगा 2,400, फिर 400 × 4 1,600, then 400 × 3 1,200 और 400 × 2 ये 800. ठीक है, अब ना टोटल करो, ये 2,000, 2,400, 1,600, 1,200, 800, जो भी अमाउंट हमने दिया है इसका टोटल करो. एट थाउजेंड आ रहा है. इट मीन्स हमने जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया है ये सही है. तो यहाँ पे आप टोटल के इसमें सब लिखते चलना साथ साथ, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है. अब नेक्स्ट देखो, टाइम के बाद अब किसका करेंगे, स्टोर्स का, अपॉर्शनमेंट ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट. ये जब अपन स्टेप लैडर सिस्टम करेंगे, ये स्टेप लैडर, तो याद रखना हम सिर्फ ये वाले अमाउंट को ऐसे ब्लैंक करते जाएंगे, इसको ये
अब नेक्स्ट देखो, स्टोर्स का टोटल कितना आया? 16,000 प्लस 1,200 करो, स्टोर्स का टोटल करो 17,200. 16,000 प्लस 1,200 17,200. सेम 17,200. हाँ 17,200. सेम मेंटेनेंस का करो 24,800. ये हो गया. अब स्टोर्स का करेंगे. अब देखो बुक में स्टोर्स के लिए क्या बोला है आपको. स्टोर्स को देखो ये वाले पोर्शन में डालना है. ये देखो 10%, 20%, 40% और 30%. तो स्टोर्स का कितना अमाउंट है? 17,200. तो 17,200 में देखो एम यानी क्या है? ये मेंटेनेंस. तो अब हम स्टोर्स को माइनस करेंगे 17,200 से. चलो डिस्ट्रीब्यूट करो. तो 17,200 का 10% कितना हो जाएगा? 1720. ठीक है. अब 20% कितना होगा 17,200 का? निकालो 3440. तो ए में कितना आएगा? 3440. सेम 40% कितना होगा मैम? 6880. 6880. सबका आ रहा है आंसर? किसी को डाउट है कहीं पे? और 30% पूछा है तो मैम 5160. 5160 सबका आ रहा है आंसर. कोई है जिसका नहीं आ रहा है? कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं आ रहा है? अब नेक्स्ट देखो, टोटल करो उसका मेंटेनेंस का 24,800 प्लस 1720 में. ट्वेंटी सिक्स फाइव ट्वेंटी आएगा. ये भी ब्लैंक हो गया, ये ऑलरेडी ब्लैंक हो गया था. तो 26,520. अब किसका करेंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का? देखो मेंटेनेंस में ए को डालने बोला है 30%. तो 26,520 का 30% निकालो. सेवन नाइन फाइव सिक्स आ रहा है. ठीक है, सेम 50% कितना होगा? 26,520 का 50%. 13,260. 13,260. फिर 20%. 2,652 + 2,652. 5,304 आ रहा है. 5,304. तो ये देखो, ये माइनस 26,520 हो गया. ठीक है, चलो आप टोटल करो ए बी और सी का. कितना आ रहा है अमाउंट? सब टोटल करो जल्दी जल्दी. आज कोई डाउट तो नहीं है किसी को? डाउट है तो जल्दी से पूछ लो. नो मैम. हाँ पर समझ आ गया. ये आ गया देखो 45,396 आ रहा है इसका टोटल.
फिर 48,000 प्लस 2400 करो, 6880 प्लस 13260. मैम उसका आंसर 70540. 70540. फिर नेक्स्ट देखो, 24,000 प्लस 1600 5160 प्लस 5304 36064. आ रहा है सबका? ये कॉन्सेप्ट ना यूनिट 3 और 4 में कोरिलेटेड रहेंगे इन सबसे. देखो, जब डायरेक्ट मटेरियल, सब लिखना, प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक, डायरेक्ट वेजेस, प्रत्यक्ष मजदूरी, तो जब मटेरियल कॉस्ट और वेजेस की कॉस्ट मिल जाती है, जब हम प्लस करते हैं, डायरेक्ट वाला याद रखना, आपके बुक में कभी कभी इनडायरेक्ट वर्ड भी लिखा होगा, ठीक. तो जब अपन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को ऐड करते हैं तो एक कॉस्ट बनती है, उस कॉस्ट को बोलते हैं अपन प्राइम कॉस्ट, यानी मूल लागत. अगर आपको कभी भी इन टॉपिक्स में बोले कि आप प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो आप प्राइम कॉस्ट कैसे करके देंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट वेजेस को ऐड करके देंगे, तो वो बन जाएगी आपकी कौन सी कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट. ये समझ में आ रहा है आपको? यस मैम. नेक्स्ट देखो, जब प्राइम कॉस्ट में, मतलब मूल लागत में, जब अपन ओवरहेड्स ऐड करते हैं, ओवरहेड्स याद रखना, ठीक, ओवरहेड्स बोलते हैं जिनको. ओवरहेड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने बताया था शायद आप लोगों को लास्ट क्लास में. ये बोलते हैं, ठीक है. इसको एक और नाम से बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं, मतलब कारखाना परिव्यय, है ना. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जब प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं तो वो बन जाती है फैक्ट्री कॉस्ट. आया समझ में? और फैक्ट्री कॉस्ट का एक दूसरा नाम भी होता है वर्क कॉस्ट, इसको बोलते हैं कारखाना लागत. चाहे हम कोई भी चैप्टर करें, कोई भी यूनिट करें, प्राइम कॉस्ट में जब भी उपरिव्यय या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होंगे तो वो कहलाती है फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट. ये याद रखना सब. यहां तक आया समझ में? यस मैम. अब देखो, अब आपके बुक में एक क्वेश्चन होगा, देखो, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द ईयर करके दिया होगा 58,000 रुपीज. देखो दिया है आपके बुक में, देखो. अब नेक्स्ट जो वैरायटी है क्वेश्चन में, उसमें बोलेगा आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स, ठीक है, याद रखना. ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स निकालने बोलेगा, मतलब उपरिव्यय के
अवशोषण की दर ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालने वाले बोले क्वेश्चन में, यानी प्रत्यक्ष श्रम लागत, तो आपको ये निकालने बोल रहा है, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर आपको निकालने बोले तो आप समझना आपको क्या निकालने बोल रहा है, ये वेजेस। नेक्स्ट देखो उसमें क्या निकालने बोल रहा है अगर आपको, लेबर आवर रेट मेथड। लेबर आवर रेट मेथड, लास्ट चैप्टर किया था हमने मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, हालसे और रोवन वाला। यस मैम। तो वो वाला टेक्निक यूज करेंगे इसमें। फिर एक निकालने बोल देगा मशीन आवर रेट। ठीक, तो मशीन आवर रेट ये कैसे निकलता है, इसमें हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सब साथ में नोट कर रहे हो कि नहीं नोट कर रहे हो आप लोग, टोटल देखो ये नोट कर लो। ठीक है, तो मशीन आवर रेट एक तो ये निकालने बोलेगा, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, टोटल मशीन आवर्स। याद रखना लेबर आवर रेट मेथड बोलेगा तो मेथड ऑफ वेज पेमेंट से कैलकुलेट करेंगे, और अगर मशीन आवर रेट बोलेगा तो टोटल मशीन आवर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।